बेटा जी आज आपका महंगवा में कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम के स्वागत के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। आप लोगों की मंशा थी कि हम लोग माइक को लगा दिए हैं, थोड़ा नेताजी बोल दें। इसी तरह का स्वागत जब हम लोग सुबह निकलते हैं, जैसे हम लोग निकले सिधागर घाट से होते हुए, कासिमाबाद से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, कम से कम दो दर्जन जगह इसी तरह कहीं 100 आदमी 200 आदमी 200 आदमी इस तरह लोग सावधान रथ यात्रा के स्वागत में लोग खड़े मिलते हैं। ऐसे में आपका सावधान यात्रा पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्या आप तक रिस्पांस रहा? देखिए सोशल मीडिया से आप लोग भी देख रहे हैं, टीवी अखबारों में भी देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जोश है कि एक नेता है कम से कम हमारे हक के लिए, जातिवाद जनगणना के लिए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, कम से कम सड़क पर चिल्ला तो रहा है, बोल तो रहा है, और तो सभी नेता अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात किया जाए तो अब तक सुभाषपा जो है यूपी में थी, लेकिन इस सावधान यात्रा के माध्यम से जो है बिहार में भी प्रवेश कर गई है, आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है? हम 2004 से बिहार में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोकसभा विधानसभा। इस बार लोगों को आश्चर्य इस नाते लग रहा है, आप लोगों को भी इस नाते लग रहा है कि इस बार हम लोग बिहार से चाहते हैं कि पत्रकार आयोग के गठन का फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का इस नाते अलग दिख रहा है। राजभर जी कल आपका एक बयान चल रहा था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, मेरा बयान नहीं, आप जैसे किसी साथी ने पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमने कहा क्या आपको अगर टाइम मिले मौका मिले तो क्या आप नहीं बन सकते हैं? कौन सा ऐसा नेता है ये जो मुख्यमंत्री के अगर बात आवे तो ना बनना चाहता हो? अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिल जाए तो समाजवादी पार्टी भी एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी, आपको नजरिए से क्या लगता है? अब देखिए उनका विषय है, परिवार को एकजुट रहना चाहिए, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, इस नाते परिवार को एकजुट रहना चाहिए। बिहार में एक नेता है जीतन राम मांझी जी, अभी 2 या 3 दिन पहले उन्होंने एक सभा किया और सभा में उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को हम पीएम कहते हैं, आप लोग भी पीएम का संबोधन करेंगे। अब वो उनका विचार है, जब तक शपथ ना ले ले वही तो हम लोग तो नहीं कह सकते। आपके गाजीपुर जनपद के एक विधायक है समाजवादी पार्टी के जयकिशन साहू, उन्होंने 17 तारीख के कार्यक्रम में यह कहा कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है और पाकिस्तान के नाम पर विपक्ष के लोग हमें बरगलाते हैं। वो तो मुसलमानों को खुद ही बरगलाते हैं, 4 वर्ष सरकार रही, जुल्हा दुनिया साई दर्जी फकीर कितना हिस्सा दिया उनको 4 बार के सरकार में, खाली बता दीजिए कि छोटा भाई है पाकिस्तान तो मुसलमान को कितना हिस्सा दिया जब सरकार थी आपकी, तो दूसरे को छोड़ दीजिए तब उसके बाद समझ में आएगा। ऐसे में ये जो पाकिस्तान उनका पाकिस्तान का प्रेम है, क्या लगता है किस तरह की राजनीति? देखिए ऐसा है ना कि बिना भाजपा का नाम लिए न बसपा न सपा न कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकते, तो कुछ लोगों की राजनीति पाकिस्तान भारत से भिड़ी जुटी हुई है, किसी का हिंदू मुसलमान से जुड़ा है और किसी का जातिवाद में जुटा है, अलग अलग सबकी सोच है, अलग अलग सबकी लड़ाई। ऐसे में अगर बात कर किसानों की, तो किसानों के भी पिछले दिनों जो किसान सम्मान निधि मिलता था उसमें बहुत सारे किसानों का सर्वे किया गया, बहुत सारे किसानों का उसमें से नाम कार्ड भी दिया गया, अब फिर से सम्मान निधि की राशि किसानों को भेजी जा रही है, क्या लगता है इस राशि से किसानों का कितना भला हो पाएगा? देखिए कहावत है कि चोर भागल जात भाई इक्का मुक्का सही कम से कम जहाँ कुछ नहीं मिला था किसान के उम्र 2000 उनके बदले बहुत बार अभी आपने मंच से बुलडोजर नीति और गरीबों के मकान गिराने के मामले पर भी बोल रहे थे, क्या था वो? देखिए भू माफिया सरकार की मंशा है कि जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, स्वागत है, लेकिन भू माफिया की आड़ में जो गरीब कमजोर भूमिहीन लोग